हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये देखिए दोस्तों, कितना कुहासा लगा हुआ है। जैसा कि दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आज के दिन मतलब रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं ये देखिए सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी सुबह का चाय बन रहा है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों, आज रिपब्लिक डे है तो इसके अवसर पर मैंने आज सेवई पूरी और आलू का जो आलू दम का सब्जी होता है वो बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, बनाने का काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने सेवई को बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी हूँ। उसमें रिफाइंड तेल डाल दी हूँ। जब तेल गर्म हो गया है तो इसमें सेवई को डालकर गोल्डन फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद दोस्तों, एक तरफ दूध को बॉयल कर रही हूँ। जब सेवई को मतलब फ्राई कर लूँगी तो फिर इसको दूध में डालकर पकाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सेवई लगभग फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको दूध में डाल दूँगी पकने के लिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं उसी कढ़ाई को साफ़ कर ली हूँ सब्जी बनाने के लिए, और सब्जी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल डाल दी हूँ। और जब तेल गर्म हो गया तो उसमें जीरा और तेज़पत्ता का छौंक लगा दी हूँ। उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट तैयार की थी तो उसको मतलब डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। जैसे कि दोस्तों, मैं आलू दम का सब्जी बना रही थी इसीलिए प्याज को मतलब कट करके नहीं फ्राई की हूँ, इसका मतलब पेस्ट बनाकर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सेवई मतलब लगभग बनकर तैयार है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश जो भी होता है वो भी डाल दी हूँ और अब मतलब बनकर तैयार है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जब मेरा प्याज फ्राई हो चुका है तो इसमें मतलब टमाटर का पेस्ट करके रखी हुई थी उसको भी डाल दी हूँ और फिर से दोनों को मिक्स करके फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, मैंने आलू को बॉयल करके कट करके रख ली हूँ।
उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट लगभग फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें दोस्तों मैं जो आलू को बॉयल करके रखी हुई हूँ उसको डाल दूँगी और इन सब चीज़ों के संग आलू को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरा आलू कुछ इस तरह से दिख रहा है मसाला के संग मतलब मिक्स होने के बाद। उसके बाद चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं पानी को डाल दूंगी ग्रेवी के हिसाब से और उसके बाद इसको मतलब 2 मिनट तक पका लूंगी। जैसा कि पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है और आलू भी बॉयल है तो मतलब इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं धनिया का पत्ता डाल दी हूँ और ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। उसके बाद मेरा सब्जी लगभग बनकर तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सब्जी तैयार हो चुका है। तो मतलब जैसा कि मैं बताई थी कि पूरी भी बनाना है तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को मतलब सब्जी इसमें बॉल में मतलब निकाल ली हूँ, फिर से कढ़ाई को साफ़ कर दी हूँ और उसमें मतलब पूरी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल ली हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं सब्जी और सेवई को गैस पे बनाई थी और इसको मतलब पूरी को दोस्तों मिट्टी का चूल्हा होता है उस पर बनाई थी, तो ये देखिए अभी मतलब पूरी मिट्टी के चूल्हा पर बन रहा है। तो आज का दोस्तों रिपब्लिक डे के अवसर पर यही ब्रेकफास्ट कहिए, लंच कहिए, जो भी कहिए दोस्तों, यही बना था। उसके बाद चलिए दोस्तों, आप लोगों को मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं दीदी के घर पे आई हूँ, तो मतलब कि मेरे जो जीजा जी हुए वो सरकारी स्कूल के टीचर हैं। तो मतलब जैसा कि आप लोग को भी पता है कि रिपब्लिक डे पर झंडा को फहराया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, स्कूल का कुछ वीडियो मैं आप लोग के सामने लाई हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसा कि झंडा मतलब
फहरा गया, तो उसके बाद मतलब जो फंक्शन होता है वह स्कूल के बच्चों के द्वारा, वो देखिए डांस गाना कुछ इस तरह का फंक्शन चल रहा है, तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मतलब स्कूल से झंडा करके आए जाजी, तो मतलब हम लोग के लिए जलेबी लाए, तो ये देखिए दोस्तों हम लोग फिर जलेबी खाएं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं सुबह में आप लोगों को दिखाई थी कि पूरा कुहासा टाइप का किए हुए है, और अभी लगभग 1:30 बजने का टाइम हो रहा है दोपहर को, और कुछ इस तरह का धूप निकला हुआ है, तो ये देखिए दोस्तों आजकल कुछ इसी तरह का मौसम कर रहा है। सुबह में कड़ाके का ठंड रहता है और दोपहर के बाद धूप निकलता है। थैंक यू दोस्तों।